तो दोस्तों सबसे पहले बनाएंगे हम जोर। तो दोस्तों जोर में करना क्या होता है, ऊपर और नीचे वाले संख्याओं को जोर कर इसके सामने लिखा जाता है। जैसे कि हम 2 और 4 को जोर कर इसके सामने लिखेंगे, 4 और 5 को जोर कर इसके सामने लिखेंगे, 3 और 2 को जोर कर इसके सामने लिखेंगे और 5 और 3 को जोर कर इसके सामने लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम जोर बनाना सीखते हैं। तो दोस्तों जोर को राइट साइड से ही किया जाता है। दोस्तों राइट साइड से हमारा पहला अंक क्या है, 2 और 4। दोस्तों सबसे पहले हम 2 और 4 को जोड़ेंगे। दोस्तों ऊपर में है 2, तो हम क्या करेंगे, 2 के लिए 2 लाइन खींचेंगे, 1 2। अब दोस्तों 2 के नीचे क्या है, 4, तो हम क्या करेंगे, 2 लाइनों में ही और 4 लाइन पार लेंगे, 1 2 3 4। अब दोस्तों इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इन सभी लाइनों को आपको गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों 2 और 4 को जोड़ने पर क्या आया, 6। तो दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 और 4 के सामने सामने 6 को लिख देंगे। अब दोस्तों इसका काम हमारा खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या है, 4 और 5। दोस्तों इसको भी हम उसी तरीके से जोड़ेंगे जैसे हमने 2 और 4 को जोड़ा। दोस्तों चलिए हम 4 और 5 को जोड़ते हैं। तो दोस्तों ऊपर में है 4, तो 4 के लिए हम 4 लाइन पाड़ेंगे, 1 2 3 4। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, 5, तो हम क्या करेंगे, 4 लाइनों में ही और 5 लाइन पाड़ लेंगे, 1 2 3 4 5। अब दोस्तों इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपको क्या करना है, उसी तरीके से इन सारे लाइनों को गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों 4 और 5 को जोड़ने पर क्या आया, 9। दोस्तों यहाँ पर 4 और 5 के सामने सामने 9 को लिख देंगे। तो दोस्तों इसके बाद क्या है, 3 और 2। दोस्तों उसी तरीके से ऊपर में है 3, तो हम क्या करेंगे, 3 के लिए 3 लाइन पाड़ लेंगे, 1 2 3। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, 2, तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से 3 लाइनों में ही और 2 लाइन पाड़ लेंगे, 1 2। अब दोस्तों इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इन सारे लाइनों को गिन लेना है। तो मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5। दोस्तों 3 और 2 को जोड़ने पर क्या आया, 5। तो हम क्या करेंगे, 3 और 2 के सामने सामने 5 को लिख देंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा सबसे लास्ट में क्या है, 5 और 3। दोस्तों ऊपर में है 5, तो हम क्या करेंगे, 5 के लिए 5 लाइन पाड़ लेंगे, 1 2 3 4 5। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, 3, तो हम क्या करेंगे, 5 लाइनों में ही और 3 लाइन पाड़ लेंगे, 1 2 3। अब दोस्तों इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इन सारे लाइनों को गिन लेना है। तो मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों 5 और 3 को जोड़ने पर क्या आया, 8। तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से 5 और 3 के सामने सामने 8 को लिख देंगे। और दोस्तों ये आ गया हमारा आंसर। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।